बचपन कितना ब्यूटीफुल होता है, इनोसेंट लाइक अ फ्लावर, कलरफुल लाइक अ रेनबो। उसमें हर तरह के कलर्स होते हैं जो हर तरह के पायस इमोशन को लेके आता है। हेलो एंड वेलकम टू मामी का मैजिक। मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में, जहाँ आज हम बच्चों के इन्हीं इनोसेंट पायस इमोशंस को लेकर आएंगे और भी निखारेंगे अपने ब्यूटीफुल कलरफुल रेसिपीज के साथ। जी हाँ, आज के रेसिपीज होंगे टोटली कलरफुल, टोटली एक्साइटिंग, जस्ट लाइक अ रेनबो। आर यू रेडी? कलर्स के साथ होगी मस्ती, और ऐसे कलर्स जो है हेल्दी। हम बनाएंगे ब्यूटीफुल मेनी लेयर्ड रेनबो केक, उसके बाद बनेगा वेरी एक्साइटिंग वेरी कलरफुल रेनबो सैंडविच, एंड फाइनली द फिनाले ऑफ इट ऑल, यमी कलरफुल बादशाही गोला। चलिए आज मस्ती करते हैं कलर्स के साथ। इनफैक्ट जब ये रेसिपीज आप बनाए, डू नॉट फॉरगेट टू गेट योर चिल्ड्रन इन्वॉल्व। तो पहली रेसिपी है रेनबो केक। जी हाँ, ऑल्दो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, मैं 5 कलर्स का ही केक बना रही हूँ, बट व्हाट द हेल, बुलाते हैं इसे रेनबो कलर्स। 5 कलर्स इज नॉट लेस नाउ, इज इट? चलिए, वेरी वेरी सिंपल, हम बेसिकली एक स्पंज केक ही बना रहे हैं। हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक कलर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो चलिए, हम लेंगे ये बटर, रूम टेम्परेचर में ये बटर है, उसके साथ हम मिलाएंगे शुगर, फिर हम लेंगे एक बीटर और इसे अच्छी तरह से क्रीम कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे वनीला एसेंस एंड वी जस्ट बीट इट वंस मोर। और अब एक एक करके इसमें हम 5 अंडे डालेंगे। लवली। अब इस पे हम डालेंगे मैदा, उसे हम सीव करके डालेंगे एंड इसके साथ ही हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। एंड अब इस पूरे बैटर को अच्छी तरह से एक बार और हम बीट कर लेंगे। मैं लूंगी 4 अलग अलग छोटे बोल्स एंड इसमें हम डाल देंगे ये बैटर इक्वल प्रोपोर्शंस में। सो एक बोल में हम डालेंगे कीवी का कंपोट। इसे बनाना बहुत आसान है, फ्रेश कीवी लीजिए, उसे पकाइए चीनी के साथ एंड तब तक पकाइए जब तक वो पल्पी ना हो जाए। सो हियर आर कीवी कंपोट इज रेडी। अब दूसरे में हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी कंपोट। स्ट्रॉबेरी कंपोट को मैंने प्यूरी किया है टू मेक इट नाइस एंड क्रीमी एंड सॉफ्ट, ऑल्दो कीवी के कंपोट में मैंने ऐसा नहीं किया था। अगर कीवी कंपोट को आप प्यूरी करेंगे तो उसके जो ब्लैक सीड्स हैं वो भी पिस जाएंगे एंड द कलर विल टर्न ब्लैक। अब तीसरे बोल में हम डालेंगे ब्लूबेरी कंपोट। सो इसको भी हम चीनी के साथ पकाते हैं। इनफैक्ट ब्लूबेरी कंपोट आपको बाहर भी आसानी से मिल जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर कैसे आया है? विद कैरेट्स। इसे मैंने बॉईल किया है और प्यूरी किया है। एंड फाइनली वी हैव मैंगो प्यूरी। जी हाँ, मैंगो प्यूरी फॉर द नाइस येलोइश कलर। अब ये मैंने मिला दिया विद 1 सेक्शन ऑफ द बैटर एंड हियर वी हैव द येलो बैटर। ये अब हमारा एक बैटर यहाँ तैयार है। नाउ आई विल नीड मेनी स्पैचुलास। अब ये कीवी वाला बैटर तैयार कर लेते हैं, वील मिक्स इट। ओके चलिए, अब इसी तरह मैं बाकी के भी बैटर्स को तैयार कर लेती हूँ। ओके डन, कलर्स आर डन। अब लेके आते हैं हमारा बेकिंग ट्रे और इसमें मैंने ये छोटे छोटे 5 बेकिंग टिन्स लिए हैं, उसमें थोड़ा बटर लगाया है एंड आई हैव डस्टेड सम फ्लावर सो दैट जो हमारा बैटर है वो इसके साथ चिपके ना। सो चलिए एक एक करके हम सारे बैटर्स को इन टिन्स में डाल देते हैं। हम पतले 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 स्पंज केक्स बना रहे हैं बिकॉज हम इन्हें लेयर करके इसके साथ
फाइनल जो मैजिक करेंगे उससे आपके भी चेहरे पे निखार आ जाएगा एंड द किड्स आर जस्ट गोना गो बनानास लिटरली। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें हमारा पिंक बैटर। Then the kiwi one. And finally, our mango batter. There. Lovely. अब इसे हम डाल देंगे बेकिंग के लिए। मैंने अवन को पहले से ही 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करके रखा है। Now we will go and put this for baking for around 30 to 35 minutes. Abracadabra, and it's ready. Actually, to around 35 minutes लगे हैं इसे bake करने के लिए। उसके बाद मैंने इसे demold किया, ठंडा होने के लिए रख दिया, और अब हम करेंगे इसके साथ final magic. अब मैं लूंगी एक serrated knife और उसके जो hard crust है, इन सारे cakes के निकाल लूंगी। That I'm going to use. A turntable and इस तरह से केक को रख के आई एम गोइंग टू टेक आउट ऑल द हार्ड क्रस्ट। अब इसी तरह एक एक करके मैं सारे केक्स की जो हार्ड क्रस्ट है उसे पहले निकाल लूंगी। ओके, अब इन सब को एक साथ लेयर करेंगे एंड इनके जो साइड्स हैं इन्हें एक साथ ही ट्रिम कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक Nice triangle white plate. अब हम क्या करेंगे? So first, we are going to take this color. अब एक ब्रश लेंगे और उसे sugar syrup पे dip करके हम इस केक पे पहले लगाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? Because we want the cake to be moist. And इसके ऊपर जो हम whipped cream लगाएंगे, it's going to hold on to it. तो चलिए, now we are going to put some whipped cream. Now, हम इसके ऊपर ये वाला लेयर लगा देंगे। फिर से हम लेंगे थोड़ा शुगर सिरप एंड अगेन सम व्हिप क्रीम ऑन इट। लवली। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा और कलर, लेकिन सम मोर डिजाइनिंग के बाद। तो चलिए लेट्स जस्ट डू सम मोर फन विद दिस केक। थोड़ा सा कलर डाल ही देते हैं, बच्चों को कलरफुल कैंडीज बहुत पसंद है। तो चलिए ला ला ला, ब्यूटीफुल रेनबो केक इज रेडी। इजंट दिस जस्ट गॉर्जियस। रेनबो केक बनाने के लिए अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। एक बाउल में मक्खन और कैस्टर शुगर को एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से क्रीम करें। उसमें डालें वेनिला एसेंस और मिलाएं। फिर एक एक करके अंडे डालें और अच्छे से फेंटें। अब इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर साथ में छानें और अच्छे से मिलाएं। फिर इस बैटर को 5 समान हिस्सों में बांटें और एक एक हिस्सों में डालें कीवी कम्पोत, स्ट्रॉबेरी कम्पोत, ब्लूबेरी कम्पोत, गाजर प्योरे और आम प्योरे और अच्छे से मिलाएं। अब हर बनाए हुए रंग के बैटर को अलग अलग ग्रीस किए हुए टिन में डालें और थपथपाएं। अब इन टिन को बेकिंग ट्रे पर रख दें और ट्रे को पहले से गर्म किए हुए अवन में रखकर 30 से 35 मिनट तक बेक करें। फिर केक को डीमोल्ड करें। अब ऊपरी सतह को एक सेरेटेटेड नाइफ की मदद से ट्रिम कर दें। अब हर केक को एक के ऊपर एक रखें और किनारों को ट्रिम कर दें। अब गाजर केक को एक सर्विंग प्लेटर पर रखें। ऊपर से ब्रश करें थोड़ी चाशनी और व्हिप्ड क्रीम पाइप करें। उसके ऊपर रखें ब्लूबेरी केक और इसी प्रक्रिया को इस केक के साथ बाकी सभी केक जैसे कीवी केक, स्ट्रॉबेरी केक और आम केक के साथ दोहराएं। केक के ऊपर पाइप करें कुछ स्वर्लर्स और थोड़े रंग बिरंगे चॉकलेट कैंडी से सजाकर परोसें।